मैं हूँ रानी। मुझे हमेशा से लगता था कि हमें गायनोकोलॉजिस्ट यानी कि लेडी डॉक्टर के पास तब जाना चाहिए जब कुछ प्रॉब्लम हो, पर ऐसा जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सिर्फ दवाई नहीं, जानकारी भी देते हैं। इसलिए मैं फिर से पहुंच गई डॉक्टर दुबे के पास कुछ और जानकारी लेने के लिए। तो चले करने कुछ तुम्हारी मेरी बातें। हेलो डॉक्टर। हाय रानी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल टिप टॉप हूं दीदी। वेरी नाइस। मेरी छोटी कजन रेनू है ना, वो बहुत परेशान है और उसने इतने सवाल किए कि मैं टेंशन में आ गई। बेटा तुम रेनू को लेके क्यों नहीं आई फिर यहाँ? दीदी बात ये है कि मेरे मम्मी पापा तो जानते हैं कि मैं आपसे मिलने आती हूँ, पर चाचा चाची को बता पाना, और पता नहीं वो समझेंगे कि नहीं। मुझे लगता है अगर तुम मुझसे उसकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर लो तो जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम भी उसे अच्छे से बता पाओगी कि कैसे डील करना है उनसे। जी दीदी, वो अभी एक साल पहले से उसे पीरियड आना शुरू हुआ है, तो उसकी छातियाँ बढ़ने लगी हैं और जगह जगह बाल आने लगे हैं और उसका वेट भी बढ़ रहा है। आम तौर पे ये जो तुम बता रही हो चेंजेस, ये हर लड़की को होते हैं, ये एक उम्र का पड़ाव है। तो उसमें सबसे पहले कैसे होता है, थोड़ा सा ब्रेस्ट बढ़ता है जिसमें लड़कियों को ऑड लगना शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट चेंजेस के थोड़े ही समय बाद यूजली मेंसेस शुरू हो जाते हैं लड़की के। मेंसेस मतलब मासिक, जो शुरू में इरेगुलरली आता है। जब पहली बार मासिक आता है तो लड़कियाँ आमतौर पर बहुत घबरा जाती हैं, क्योंकि आमतौर पर हमारे परिवारों में हमने बताया ही नहीं होता है कि भाई चेंजेस आएंगे और ऐसा हो जाएगा, तो वो बिल्कुल घबराने सी लगती हैं। तो आपस में जितने सहपाठी होंगे, दोस्त होंगे, सभी में चेंजेस हो रहे होंगे, तो उनसे घबराना डरना नहीं है। ये तुम्हें उसे बहुत प्यार से आराम से अपने कॉन्फिडेंस में लेके उसको बताना पड़ेगा ये बात। मुझे एक और बात पूछनी थी, ये रिप्रोडक्शन होता क्या है? स्कूल कॉलेज में हमने पढ़ा तो है इसके बारे में, लेकिन हम इतने शर्माए रहते थे कि टीचर कुछ पढ़ाते थे और हम सिर्फ हंसते रहते थे, तो हमने सही से नहीं जाना कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। जब मैं बेटे तुम्हारे बराबर की थी तो हम लोग भी पूरे टाइम हंसते रहते थे इन सब बातों पे। बट तुम ये सोचो कि इसमें फनी क्या है, इसमें हंसने की बात क्या है, हम सब कैसे पैदा हुए हैं। रिप्रोडक्शन है आदमी और औरत का संबंध होना, जिसकी वजह से बच्चा आता है पेट में। बट हर बार जब संबंध रखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि प्रेगनेंसी ठहर जाती है। उसमें भी एक टाइम होता है जिसमें कभी कभी प्रेगनेंसी ठहर जाती है, बट वो एक जिम्मेदारी भरा डिसीजन है जो जब दो पार्टनर्स, एक लड़का और एक लड़की मिल के डिसाइड करें कि भाई अब हमें प्रेगनेंसी करनी है, जिम्मेदारी के साथ हमें एक बच्चा चाहिए, तब वो होना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर से बात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा दीदी, ये कॉन्डोम क्या होते हैं और इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो मैं सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रही हूँ, ऐसा कोई मेरा? नहीं नहीं घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ ऐसा जज नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें पता होना चाहिए सारी चीज़ें। इनफैक्ट तुम्हारे उम्र की सब लड़कियों को पता होना चाहिए कि क्या होता है सेक्स, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सेफ सेक्स। आमतौर पर पाया जाता है कि 20-22-24 साल तक भी लोगों को इसके बारे में ठीक से पता नहीं होता। कॉन्डोम कॉन्ट्रासेप्शन का मेजर है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है? प्रेगनेंसी न होने का एक तरीका है, मगर उसके साथ में उसका एक डबल बेनिफिट ये होता है कि वो प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है एसटीडी और एसटीआई होने से। एसटीआई एसटीडी मतलब? एसटीडी और एसटीआई जो यौन संबंध से जो बीमारियां ट्रांसमिट हो जाती हैं उनको हम एसटीडी और एसटीआई कहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी होते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी होती हैं, दोनों में फ़र्क है। डिजीज़ मतलब बीमारी, इन्फेक्शन मतलब एक हल्का फुल्का वायरस या बैक्टीरिया आ गया जो दवा देने से करेक्ट हो जाएगा। डिजीज़ भी करेक्ट हो सकती है, बट डिजीज़ न होने देना, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस में हम लोग बहुत ज़्यादा जोर देते हैं इस बात पे कि भाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कॉन्डम्स वही है कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर है कि भाई कॉन्डम्स से प्रिवेंशन हो जाता है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो एक्सचेंज नहीं होते हैं उसमें, तो फिर उससे प्रेगनेंसी का भी डर खत्म हो जाता है, इन्फेक्शंस का भी डर खत्म हो जाता है। तो ये एक जिम्मेदारी वाली बात है कि भाई जब तक आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ मिलके, तब तक ज़रूरी है कि आप कुछ प्रोटेक्शन इस्तेमाल करो। ये यौन रोग तो बहुत खतरनाक होते हैं और इनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता, और कहते हैं इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। बेटे ऐसा नहीं है, ये गलत धारणा है। ऐसा है कि कुछ इन्फेक्शन होते हैं, कुछ रोग होते हैं जो बड़े हल्के तौर पे आते हैं, थोड़े से आते हैं, तो वो तो जल्दी ठीक हो जाते हैं दवाओं से। तो इसलिए जिम्मेदारी के साथ ये ध्यान देना है कि होने नहीं देना है उन इन्फेक्शंस को। दीदी इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखो बेटे कैसे होता है ना, आमतौर पे लड़कियों के हिसाब से मैं बताती हूँ,
कि जैसे लड़कियों को नॉर्मली कभी हल्की फुल्की उस एरिया में खुजली हो गई या हल्के रैशेज आ गए, लाली दिखाई दी या कभी सफ़ेद पानी जाने लगा, अब कौन सा पानी नॉर्मल है और कौन सा पानी बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई ये बीमारी हो सकती है। तो होता क्या है कि जब पानी के सरीखा या जैसा हमारा कफ होता है खांसी में, उसके सरीखा सफ़ेद रंग का जब अगर जा रहा है पानी, तो वो नॉर्मल बॉडी डिस्चार्ज होता है। वो नॉर्मली भी किसी लड़की ने कभी भी सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहा है, कभी उसका संबंध नहीं रहा है किसी लड़के से, फिर भी हो गया, वो एक नॉर्मल है। संबंध रखने के बाद भी ये हो सकता है, वो भी नॉर्मल है। मगर अगर वही गाढ़ा सफ़ेद रंग का जाने लगे या थक्के थक्के जैसा जाना लगे या वहाँ पे बॉयल्स होने लगे जो पानी से भरे फफोले होते हैं या बड़े फोड़े जैसे भी कभी कभी होने लगते हैं, इस तरह का कुछ होने लगे, तो वो थोड़ा सीरियस बात है। आपको रुकना नहीं होता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और तुरंत दवाएं लेनी शुरू करनी है, क्योंकि अगर शुरू में किसी रोग को पकड़ ले तो डॉक्टर भी उसको ठीक कर पाता है अच्छे से, आपकी बॉडी भी अच्छा, शरीर भी अच्छा रिस्पॉन्स देता है, जल्दी ठीक हो जाता है। मगर अगर आप देर से गए तो बीमारी बढ़ के फैल सकती है। फिर ऐसा होता है जो तुमने बोला ना, डर है कि वो फिर ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगी, तो फिर वो उस मोड़ पे पहुंच सकता है। थैंक यू दीदी, आपसे बात करके मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है और इतनी जानकारी मिलती है कि जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रानी, तुमसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे अच्छा लगता है कि तुम आजकल की एक जिम्मेदार लड़की हो। एक बात मैं तुम्हें कहना चाहूँगी जो तुम्हें अपने दोस्तों को भी बतानी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर के पास तभी जाएं जब कुछ तकलीफ महसूस हो। जिम्मेदार सेक्सुअल एक्टिविटी ये होगी कि जब आप संबंध रखने की शुरुआत में हैं, अगर आप ये कदम उठाने वाले हैं, तब से आपको एक डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, एक डॉक्टर के साथ पूरी बातचीत करके डिसाइड करके कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर आप अपनाना चाहेंगे, फिर आगे बढ़ना चाहिए। सच में दीदी, आज मुझे आपसे बहुत जानकारी मिली। रानी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तुम आती रहा करो। सुना तुमने, डॉक्टर सिर्फ इलाज ही नहीं बचाव में भी मदद करते हैं, इसलिए कभी भी कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, तो बिना शर्माए अपनी लेडी डॉक्टर से जरूर बात कर लो। आगे तुम्हारी मेरी बातें सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें छाजा चैनल को। फिर मिलेंगे, बाय। अगर आपके मन में और क्वेश्चंस हैं तो एक्सपर्ट से बात करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।